शहर के वार्ड नंबर 8 बस स्टैंड क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस से वार्ड 3 के पार्षद सोदान सिंह यादव, वार्ड 1 की पार्षद मंजू कुशवाहा और वार्ड 5 के पार्षद राहुल ठाकुर वार्ड 8 के रहवासियों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन वार्ड 8 के भाजपा से पार्षद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। वहीं कुछ दिनों पहले भाजपा के पार्षद ने भी शराब दुकान हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा था। हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बस स्टैंड क्षेत्र में शराब की दुकान संचालित है, जिससे क्षेत्र में शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा निरंतर लगा रहता है। रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत एवं भय व्याप्त रहता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। चल रहा है वार्ड नंबर 8 के नागरिकों द्वारा, और इसमें पूरे शहर के समाज सेवी और दोनों राजनीतिक बड़े दल, बड़े हर्ष का वैसा है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये पदाधिकारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये दो मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक तो यहाँ पर विगत कई सालों से लगभग हर दो चार महीने में एक हत्या हो रही है। अभी हालिया भी इस पिछले हफ्ते एक हत्या हुई है और दो प्राणघातक हमले हुए। तो एक पुलिस चौकी की मांग की गई थी हमारे बंटी मेहता जी द्वारा, वो एसपी महोदय ने उस समय स्वीकृति दी थी, लेकिन वो आज तक बनाई नहीं गई। दूसरा, यहाँ पर विगत कई वर्षों से देसी शराब की दुकान थी, जो कि शासन के नियमों के तहत अब अंग्रेजी की भी आ गई। एक तो करेला पहले से ही था, ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। तो उस समस्या ये हो रही है कि अब दिन पे दिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। जबकि वासुदा के सबसे ज़्यादा शादी गार्डन इसी क्षेत्र में है, दो बड़े स्कूल इसी क्षेत्र में हैं, नामांकुर विद्यापीठ और डाल्फिन, मनसापूर्ण बड़ा मंदिर इसी क्षेत्र में है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि कलारी से लगी हुई मस्जिद भी इसी क्षेत्र में है। तो मैं ये पूछ रहा आपसे कि नगर में क्या इतने ही समाज से भी इतनी पार्टी वाले हैं? नहीं, अच्छे काम करने वाले लोग उपस्थित नहीं होता क्या? अच्छे काम के लिए चंद लोग इकट्ठे होते हैं। आज़ादी के समय से अगर हम देखेंगे तो चंद लोग ही थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है घरों से निकलना। ठीक है, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। जितने भी बड़े राजनेता हैं, अजय सिंह जी वगैरह, हरी सिंह जी, सारे लोग वहाँ बैठे थे। दादा, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दारू वगैरह नहीं बिकना चाहिए शहर में, बाहर बिकना चाहिए, इसके बावजूद भी दारू बिक रही है शहर में, तो इसे आप क्या मानते हैं? भाजपा सरकार ने एक तरफ मना और दूसरी तरफ नहीं, क्या है ये दोहरा चरित्र है। कहते हैं लेकिन करते नहीं है, क्रियान्वयन नहीं होता उसका। ये घोषणाएँ होती हैं केवल कि इस तरह का ये होने चाहिए और वो होने चाहिए। हम शासकीय कार्यालय में जाते हैं, वो कहते हैं आदेश ही नहीं आए, केवल घोषणा हुई है। तो मेरा तो ये मतलब है कि यहाँ के नागरिकों को सबको पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए, और जब तक दुकान ना हटे वो यहाँ बैठे रहें। बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? बस्ती का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा आपको? बस्ती के लोग नहीं, लोग हैं समाज से बस्ती के लोग मैं बताऊँ, लोगों में मैंने देखा है और भी समाचार पत्रों में या फेसबुक पे हम लोग डालते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से डरते हैं लोग। शराब माफिया उस दिन ज्ञापन देने तो इतनी भीड़ थी, इतने ही लोग नहीं दिख रहे। क्योंकि मैं बताऊं, निश्चित रूप से इन अपराधिक किस्म के लोगों को यहाँ के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के, सारे लोग इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं वर्षों से। सुनवाई नहीं, और उनके बगैर संरक्षण के ये कुछ नहीं कर सकते, उनका संरक्षण है, और यही कारण है कि ये सारी अपराधी बड़ी हुई। दादा, अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या चरण? आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और विरोध करेंगे हम लोग, ये हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।